मेरा पहला अवार्ड है वो आज भी मेरे मेंटल पे है. बहुत सारे अवार्ड मिले उसके बाद. गॉड इज़ बीन वेरी काइंड और वो मेरे ऑफिस में अच्छी तरह पड़े हैं. लेकिन वो एक पहला फिल्म फेयर अवार्ड मेरे आँखों के सामने है. जब भी मैं हर सुबह मैं उठता हूँ और पहली मैं अपनी माँ से नहीं मिलता, मैं कॉफ़ी नहीं पीता, मैं कुछ नहीं करता, मैं वो फिल्म फेयर अवार्ड देखता हूँ. मेरे लिए इट्स लाइक द कम्प्लीशन ऑफ अ ड्रीम. तो फिल्म फेयर जैसे कहा, बहुत सारी यादें हैं, बहुत सारी मेमोरीज हैं एंड फिल्म फेयर फॉर मी विल ऑलवेज बी अ फैमिली मैगजीन. अगर हम मैगजीन की बात करें तो ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो आज भी आपको याद होगा? जी, बहुत सारे इंटरव्यूज दिए हैं मैंने फिल्म फेयर को, तो ऐसा एक कोई आर्टिकल मैं मेरे जहन में नहीं आता. लेकिन जो अभी ये नया इशू है जिसमें बहुत सारे इट कवर्स मेन फिल्म फेयर लव, वुमेन फिल्म फेयर लव, फिल्म दे लव, डायरेक्टर्स दे लव, तो उन डायरेक्टर्स की बहुत बड़ी बड़ी हस्तियाँ हैं. तो उनमें से एक नाम मेरा भी है, तो बहुत ही गर्व महसूस होता है मुझे. बिकॉज फॉर मी ऋषिकेश मुखर्जी, मणिरत्नम, यश चोपड़ा, राज कपूर, इन सब नामों के साथ मेरा नाम जुड़ा है. तो फॉर मी आई कांट इवन एक्सप्लेन टू यू कि मुझे जब मैंने वो इशू देखा है जो नया वाला है, एंड आई फेल्ट लाइक यू नो आई कांट बिलीव कि मैं ये मेरा नाम इन सब नामों के साथ देख रहा हूँ. क्योंकि जब मैं बचपन में मैं देखता था यश जी की पिक्चरें या राज जी की पिक्चरें, ऐसा कभी नहीं सोचा कि एक दिन आएगा कि मेरा नाम भी इन लोगों इन हस्तियों के साथ मेरा भी नाम जुड़ेगा. और इट्स अ आई कांट टेल यू व्हाट इट फील्स. ये जो नया इशू है जिसमें ये सारी बातें हैं, बहुत ही अमेजिंग इशू है, बहुत इंटरेस्टिंग है, वेरी इंसाइटफुल फॉर ऑल फिल्म एंड सिनेमा बफ्स. तो इट जस्ट मेक्स मी फील वेरी प्राउड. आपको लगता है कि हर कोई उसे कैच करने की कोशिश कर रहा है, हर कोई चाहता है कि अभिषेक और अमिताभ लाइक. देखिए, हम एक बहुत ही अनयूजुअल बात है कि दो, एक बाप और बेटे दोनों आर एक्टिंग एट द सेम टाइम, एक ही स्पैन में वो इतनी सारी फिल्में करे, कभी ऐसा हुआ नहीं हिस्ट्री में. अगर आप देख लो तो कभी ऐसा नहीं हो कि एक पिताजी हैं, उनके बेटे हैं, जो दोनों बहुत बड़े स्टार्स हैं और एक ही फेज में काम कर रहे हैं और बहुत सारे फिल्म कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटी मिल रहे हैं. तो इट्स ऑब्वियसली पीपल आर कैशिंग इन ऑन इट बिकॉज उनको देख के ऑडियंस इमीडिएटली फील्स हैप्पी. अगर आप बाप और बेटे को एक गाने में देखोगे तो आपको इमीडिएटली आप एक स्माइल आ जाएगी आपके चेहरे पे. आपको ऐसा लगता है कि यू आर पार्ट ऑफ द फैमिली व्हेन यू सी देम डू एनीथिंग टुगेदर. तो इट्स अ वंडरफुल फीलिंग इन दैट रिस्पेक्ट. तो आई थिंक हाँ, जैसे आप कह रहे हैं कि ऑफकोर्स पीपल विल कैश इन ऑन दिस फैंटास्टिक पेयर, लेकिन मोर देन एनीथिंग आई थिंक वी मस्ट हैव लॉट बिकॉज आई थिंक हिस्टोरिकली और बाद में अगर 20-30 साल बाद when you see this footage it will be very memorable footage to see. क्योंकि दोनों बाप बेटे की एक तो बहुत सारी केमिस्ट्री, उनकी केमिस्ट्री कमाल की. आप कजारे में देख लो या कभी अलविदा में देख लो, तो उनकी ट्यूनिंग और केमिस्ट्री सुपर्ब है. एक कैजुअलनेस है एंड येट देयर इज अ परफॉर्मेंस लेवल विच इज ऑलमोस्ट फैंटास्टिक एंड आई वुड लाइक टू सी देम मोर एंड मोर ऑन टेलीविजन एंड ऑन फिल्म टुगेदर. अच्छा, इसमें एक इस इशू में एक बात और है कि हाँ, कि सबको पूछा जाता है कि उनकी मनपसंद फिल्में या एक्टर एक्ट्रेसेस, तो आपके हिसाब से इस साल कौन हो सकता है, बताइए टॉप 10 या मैं वो तो अप टू ज्यूरीज एंड टू डिसाइड. लेकिन मुझे बहुत सारी फिल्में बहुत अच्छी लगी है, तो मैं कहना चाहूँगा कि आई लव मुन्ना भाई, आई लव रंग दे बसंती एंड बोथ दीज मूवीज फॉर मी आर द फिल्म्स ऑफ द ईयर. एंड आई से दैट बिकॉज आई हैड अ रिलीज ऑल्सो, बट आई एम स्टिल नॉट मैंशनिंग माई ओन. आई एम सेइंग मुन्ना भाई एंड रंग दे बसंती आर ट्रूली द फिल्म्स ऑफ द ईयर. दे मेड मी फील प्राउड एज अ फिल्म मेकर एंड एज एन ऑडियंस. एंड मुझे लगा कि एक घर महसूस हुआ जब मैंने दोनों फिल्में देखी. बहुत अलग है दोनों, एंटरटेनिंग है एंड येट कुछ कहती हैं. कोई वैल्यू सिस्टम है, एक सोशल बेस है. बहुत सालों बाद एक साल आया है जिसमें सोशल बेस कहानियाँ कमर्शली सक्सेसफुल रही हैं, और ये नॉर्मली होता नहीं. नॉर्मली पारिवारिक या लव स्टोरीज बहुत बड़ी हिट्स हुई हैं. पहली बार एक जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल फिल्म मुन्ना भाई है. एंड मुझे अच्छा लगता है कि एक तरफ से कि गांधीजम जो है, गांधी जी के जो प्रिंसिपल्स हैं, जो वैल्यूज़ हैं, वो फिर से आ चुकी है विद द यंग जनरेशन. आज छोटे छोटे बच्चे जानते हैं कि महात्मा गांधी की कहानियाँ क्या हैं, कि सेंग्स क्या हैं, कि कहावत क्या है. जैसे शाहरुख का बेटा, परसों मैं उसे मिला था, वो बता रहा था कि उसके स्कूल में गांधी जी के बारे में क्या सीखा. सडनली आई थिंक जो प्रिंसिपल्स और वैल्यूज दैट डिफाइन अस आर बैक एंड दे आर बैक बिकॉज ऑफ अ फिल्म. एंड आई थिंक राजू हिरानी एंड विनोद चोपड़ा शुड बी वेरी प्राउड कि दे एक्चुअली आर इन्फ्लुएंसिंग एन एंटायर जनरेशन. सिमिलरली रंग दे बसंती जो बहुत इन्फ्लुएंशियल फिल्म थी यंग जनरेशन को, एक जैसे उन्होंने खुद कहा जनरेशन अवेकन्स. ऐसा भी मुझे लगा कि सब everybody is feeling very proud to be an Indian and after seeing a film. So it also makes you realize the power of Indian cinema. Kaisi do filmein hain jo that can influence an entire generation. So I feel that ye jo filmein hain will really be the films of 2006 and will not only be the films of 2006 but will be remembered as the film of films of the decade.
इस साल आपकी फिल्म आई थी जो बहुत बड़ी हिट भी गई थी, कभी अलविदा ना कह रहा। लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूँ कि मेरी पिक्चर आई थी, बहुत बड़ी हिट थी, बहुत सारी रेवेन्यूज और इनकम एंड ऑल दैट, फिर भी मैं नहीं कहूँगा कि इट वॉज द फिल्म ऑफ द ईयर और द फिल्म्स ऑफ द ईयर। द फिल्म्स ऑफ द ईयर आर मुन्ना भाई एंड रंग दे बसंती अनडाउटेडली। व्हाट अबाउट धूम 2 एंड बाबल एक्सपेक्टिंग समथिंग? वो मैंने अभी यू नो आई कांट से दोस हैव बीन रिलीज्ड, बट आई थिंक मुन्ना भाई एंड रंग दे बसंती विल, कुछ भी आ जाए कि आई फील ये तो ऐसी पिलर्स है आई थिंक जो आई थिंक आर अनशेकेबल।